हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज अवर टॉपिक इज इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे आपको। सो फैक्ट्स, कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। द कार इज एक्सपेंसिव, ओके। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। आपने दो सेंटेंस पढ़े बेटा। द वर्ड इज टी एच ई एंड अनदर टी एच ई। वंस आई सेड द एंड सेकेंड टाइम आई सेड द। तो इसका क्या, ऐसा क्यों होता है कि कब हम दा कहेंगे या कब हम दी कहेंगे? सो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए बेटा, दा के बाद क्या हुआ है? कार, ठीक है। तो वेन प्रोनाउंसिएशन ऑफ आफ्टर द कॉन्सोनेंट, देन वी यूज द वर्ड। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा कॉन्सोनेंट के जैसा होता है तो उसके पहले हम टी एच ई को द उच्चारण करते हैं, दा का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और अगर दा के बाद, टी एच ई के बाद अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन जो होता है वॉवल, उच्चारण की बात कर रहे हैं, साउंड की बात कर रहे हैं, अगर साउंड हमारा किसके जैसा हो, वॉवल के जैसा, देन वी सेड टी एच ई को दी। इसके लिए वर्ड ये हिंदी में दी यूज किया जाएगा और इसको क्या पढ़ा जाएगा? द। इफ द इज सेड द फॉलोइंग साउंड इज अ कॉन्सोनेंट, ये किसके लिए लिखा हुआ है? If the is said the following sound is consonant, अगर consonant होता है, इस example की बात हो रही है, that is definition, इसको definition के रूप में हम याद कर सकते हैं। If the is said the following sound is a vowel sound, और vowel sound के रूप में अगर th e आ रहा है, then we pronunciate it d, उत्तम उसका उच्चारण करेंगे d के रूप में। Now look at another fact, the quick brown fox jumps over the lazy dog. क्या कुछ इसमें सिग्निफिकेंट आपको दिखाई दे रहा है बेटा? इन दिस सेंटेंस वी कैन यूज ऑल द अल्फाबेट, जितने भी इंग्लिश में अल्फाबेट हैं, फ्रॉम ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, 26 अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो इस सेंटेंस में आपको मिल जाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें पूरे अल्फाबेट हो, सारे के सारे अल्फाबेट यूज किए गए हो, उसको क्या कहा जाता है? पेंग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।